असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ से 80% तक डूब चुका है। गैंडों की हालत यहां बहुत खराब है, वो अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आपने बाढ़ से परेशान लोगों की कहानियां तो खूब सुनी होंगी, आज सुनिए मेरी कहानी। मेरा घर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहां मेरे जैसे एक सींग वाले सबसे ज्यादा गैंडे रहते हैं। अब मेरा इलाका बाढ़ के पानी में 80% तक डूब चुका है और आज ही मैं बहकर गोलाघाट की सड़कों पर आ गया। अब मैं सड़कों पर हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां जाऊं और क्या खाऊं। लोग मुझे देखकर डर रहे हैं, वो घबरा कर मुझसे दूर भाग रहे हैं। ये देखिए कैसे मेरे चेहरे पर ये कपड़ा पड़ गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं अपना ऐसा तमाशा बनवाना नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं खुद ही नहीं चाहता कि मैं इंसानों की बस्ती में जाऊं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि इस बाढ़ में मेरे करीब 20 सगे संबंधी मर गए और करीब 200 से ज्यादा दूसरे जानवर इस बाढ़ का शिकार हो गए हैं और मैं बहकर यहां चला आया। मुझे पता है कि 17 जुलाई से आई इस बाढ़ ने पूरे असम को हिलाकर रख दिया है। इंसानों के घरों में पानी घुस गया है, उनके लिए राहत शिविर बनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं कहां जाऊं? मुझे पता है कि ये कुदरत का कहर है, लेकिन मेरे घर यानी जंगल के साथ खिलवाड़ करना तुरंत बंद करना होगा, क्योंकि आप मेरे घर में घुसने की कोशिश करेंगे तो जंगल कटेंगे और ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी।